हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे प्रो टिप्स जिनकी वजह से आप लोग आसानी से वेट गेन कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सी एक्सरसाइजेस आपको अपने वर्कआउट प्लान के अंदर ऐड करनी चाहिए, ये भी बताने वाला हूँ। बस आपको पाँच ऐसे टिप्स ही फॉलो करने हैं जो कि आपका आसानी से वेट गेन कर देंगे। चाहे आप लोग बिगनर हैं, चाहे आप लोग इंटरमीडिएट हैं, चाहे आप लोग एडवांस हो चुके हैं, या फिर आप लोग हार्ड गेनर हैं जिनका वेट बिल्कुल भी नहीं गेन होता, कुछ भी खा लें, बस आपको खाने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं टिप्स के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। टिप नंबर वन गाइज, आपको कैलोरी इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा कम खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले कैलोरी को मेजर कर लें। जैसे कि आपने थोड़ा सा मील लिया, उसकी कैलोरी मेजर कर लें। उसके अंदर कम से कम 200 से 300 कैलोरी आपको अपने डाइट प्लान के अंदर बढ़ानी है। जैसे कि आप लोग एक दिन के अंदर 2000 कैलोरी खाते हैं तो वहां से 2200 कैलोरी कर दें। 500 कैलोरी नहीं इंक्रीज करना, सारे लोग यही करते हैं, 400 से 500 कैलोरी सडनली इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इतनी ज्यादा कैलोरी अगर आप लोग इंक्रीज कर देंगे तो बॉडी में डाइजेशन की, आपकी बॉडी में डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसीलिए भाई आपको 150 से 200 या फिर 300 कैलोरी ही ऐड करनी है, इंक्रीज करनी है, तो आप लोग अपना वेट गेन आसानी से कर सकते हैं। टिप नंबर टू गाइज, आपको हमेशा कैलोरी सरप्लस के अंदर रहना है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई एक दो दिन खा लिया, दिन तीसरे दिन क्या करते हैं, पूरी कैलोरी इंटेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट गिरना शुरू हो जाता है। फिर आप लोग बोलते हैं कि भाई हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 3 महीने तक कैलोरी सरप्लस के अंदर जाना है, जिसकी वजह से आप लोग अपना वेट गेन कर सके। एंड आपका जो वेट गेन होगा ना इस 3 महीने के अंदर, वो कभी भी टूटेगा नहीं। अगर आप लोग कैलोरी इंटेक कम कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गाइस, कैलोरी इंटेक आपको हमेशा बढ़ा के रखना है और कैलोरी सरप्लस के अंदर रहना है। टिप नंबर थ्री गाइज, आपको जो मील है वो टाइम टू टाइम खाना है। कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप आपको बिल्कुल भी नहीं लेना अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर खाना है। चाहे कुछ भी हो यार, आपको बस खाना ही पड़ेगा अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर। टिप नंबर फोर गाइज, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि किस तरह की आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट गेन के चक्कर में हैवी वेट करना शुरू कर देते हैं। गाइस, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। हैवी एक्सरसाइजेस करनी है, हैवी वेट ट्रेनिंग तो करनी है, बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है। जैसे कि हैवी डेडलिफ्ट, उसके अंदर जो आपके रेपिटेशन रेंज होगी वो कम से कम होने चाहिए 6 से 8। हैवी ट्रेनिंग करना उसको नहीं बोला जाता जिसके अंदर आप लोग सिर्फ 1 से 2 रेपिटेशन ही परफॉर्म कर पाए। आपको कम से कम 6 से 8 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। एंड ज्यादातर आपको अपने वर्कआउट के अंदर कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐड करनी है, जो कि आपके मल्टीपल मसल्स को ट्रेन करती हो, ना कि आइसोलेट एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐड करें अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो। सो गाइस, दिस इज योर 5th एंड लास्ट टिप, रेस्ट। रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस, या फिर प्रॉपर बॉडी को रेस्ट आपको जरूर देना है। जैसे कि आप लोग कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं वेट गेन करने के लिए, तो आपको कम से कम उसके अंदर 2 से 3 मिनट का रेस्ट पीरियड टाइम बिटवीन एक्सरसाइजेस रखना है। और पूरे दिन के अंदर जो आपका स्लीप टाइमिंग होता है वो कम से कम 8 घंटे का जरूर होना चाहिए। अगर आप लोग 8 घंटे की स्लीप नहीं लेंगे तो यार आपका वेट गेन नहीं होगा। तो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देनी, एंड जो लोग बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते उनका वेट कभी भी गेन नहीं हो पाएगा। तो गाइस, ये थे वो 5 ऐसे प्रो टिप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं, और आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होनी चाहिए और प्रॉपर डाइट आपको लेनी है। टाइम टू टाइम आपको खाना है, ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर रहना है, और वर्कआउट शेड्यूल आपका एकदम फिक्स होना चाहिए आपको कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। और ज़्यादातर अपने वर्कआउट प्लान के अंदर आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐड करनी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, तभी आप लोग आसानी से अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे वो 5 ऐसे प्रो टिप्स जिनको आपको फॉलो करके अपना वेट गेन करना है। आई थॉट कि आज तक आपको कभी भी किसी ने इस तरह के प्रो टिप्स नहीं दिए होंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ गाइस, अपना दूसरा चैनल है उसको जाके भी फॉलो कर लेना। और अगर आप लोग व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, थोड़ा फंक्शन करना चाहते हैं, तो व्लॉगिंग का चैनल भी है गाइस, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।